चलिए बेटा, आपके दूसरे चैप्टर की पहली कविता हम पढ़ रहे थे, जयद्रथ वध। कल हमने उसमें पढ़ा था कि जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया था तो उस समय भगवान कृष्ण के साथ सभी मिलकर वहां आ जाते हैं और युधिष्ठिर राजा भावुक मन से भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, उनके सामने बार बार नतमस्तक होकर कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारी कृपा से ही होता है और तुम्हारे आशीर्वाद से ही होता है। आज अगर हम विजयी हुए हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपका प्यार, आपका साथ, हमारे साथ हमेशा रहता है। उनकी स्तुति करते हुए राजा युधिष्ठिर आगे कहते हैं, कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे हम आज पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं कि तुम ध्येय हो, गेय हो, अजेय हो, निज भक्त पर अनुरक्त हो, कि हे कृष्ण तुम ध्येय अर्थात हमारा लक्ष्य हो और हमारे ध्यान करने योग्य हो। ध्येय के हम दो अर्थ ले सकते हैं, ध्येय का अर्थ है हमारा लक्ष्य भी हो, हमारे ध्यान करने योग्य भी हो। तुम्हारा चरित्र गेय है, गाए जाने योग्य है। तुम अजेय का अर्थ है कि तुम सब जगह विजित हो, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। निज भक्त पर अनुरक्त हो, सभी गुणों से सर्वगुण संपन्न होने पर भी तुम अपने भक्त पर अनुरक्त हो, अर्थात प्रेम करने वाले हो, भक्त के साथ ममता प्यार रखने वाले हो। तुम भव विमोचन, भव विमोचन का अर्थ क्या है कि संसार, भव का अर्थ है संसार सागर, विमोचन का अर्थ है पार करने वाले, संसार सागर के कष्ट को दूर करने वाले हो। पद्मलोचन अर्थात तुम्हारी आंखें जो है कमल पुष्प जैसी है, तुम पुण्य के सागर हो, पद्मासक्त हो, अर्थात कमल पुष्प पर विराजित हो। तुम एक होकर भी अहो, रखते अनेकों वेश हो, का क्या कहा जाता है कि ईश्वर एक है, तुम एक हो लेकिन फिर भी तुम्हारे वेश और रूप अलग अलग है। आद्यांतहीन, आद्यांत आदि और अंत से हीन, आद्यांत का अर्थ है आदि और अंत, दो शब्दों से मिलकर बना है कि तुम्हारा न कोई आदि है न कोई अंत है। अचिंत्य हो अर्थात तुम चिंतन से परे हो, अद्भुत हो। आत्मभू अखिलेश हो, भू का अर्थ इस सारी धरती की आत्मा हो, अखिलेश हो, इस सारे संसार के, इस समस्त सृष्टि के ईश्वर हो, अखिल जमा ईश, इस संसार की सृष्टि अर्थात ये सारे संसार के चय चराचर प्राणियों के तुम एकमात्र ईश्वर अर्थात स्वामी हो। हे कृष्ण, कर्ता तुम ही, भरता तुम ही, हरता तुम ही हो सृष्टि के, अर्थात संसार का निर्माण करने वाले कर्ता तुम ही हो, भरता अर्थात भरण पोषण करने वाले भी तुम ही हो, हरता अर्थात हनन करने वाले, सृष्टि का संहार भी तुम ही करते हो। यह सबको पता है कि संसार का नियम है, जो बनता है वह मिटता ही है। तो राजा युधिष्ठिर के माध्यम से कृष्ण की स्तुति करते हुए कवि कहता है कि हे कृष्ण, तुम संसार का को बनाने वाले अर्थात करता हो, भरण पोषण करने वाले भरता हो, और सारे संसार का हनन करने वाले संहार करता भी तुम ही हो। चारों पदार्थ दयानिधि फल है तुम्हारी दृष्टि के। संसार में चार पदार्थ कौन से माने जाते हैं बेटा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पदार्थों को युधिष्ठिर जी क्या कहते हैं कि हे दयानिधान, तुम्हारी दृष्टि मात्र की ये सभी फल है। क्या कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के चार पदार्थ सफल हैं उसका जीवन भी सफल है। तो कृष्ण को युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर तुम्हारी दया दृष्टि हो जाती है, तुम्हारी कृपा दृष्टि हो जाती है, तो यह चारों मनोरथ, चारों पदार्थ उस व्यक्ति के सफल हो जाते हैं। हे ईश, बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए, उपहार प्रत्युपकार में क्या दे तुमको इसके लिए, कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुमने हम पर न जाने कितने उपकार किए हैं। सर्वदा करते हमेशा, तुमने हमेशा बहु उपकार, बहुत सारे उपकार किए हैं, हमारी हमेशा मदद की है, सहायता की है। तुम्हारे उपकार, तुम्हारे उपहारों के बदले में मैं तुम्हें क्या उपहार दूं इसके लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसका अर्थ क्या है कि ईश्वर ने हम पर बहुत कृपा की है, बहुत मेहर की है, और उसके बदले हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं यह बात समझ नहीं सकता हूँ, है क्या हमारा सृष्टि में यह सब तुम ही से है बने।
इस संसार में हमारा है ही क्या, क्योंकि सृष्टि का हर कण तुमसे ही बना हुआ है, तुम्हारा ही अंश है, तुम्हारे साथ से ही बना है, सतत ऋणी हैं हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी। कि हे कृष्ण, हम निरंतर हमेशा से तुम्हारे ऋणी है, कर्जदार है, और तुम हमारे धनी अर्थात स्वामी हो, प्रियतम हो, परमात्मा हो। राजा युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, हम तुम्हारे सहारे हैं, तुमसे हैं, तुम ही हमारा सब कुछ हो। जय दीन बंधो सौख्य सिंधु देव देव दयानिधि। अब वो उनकी बड़े हाथ जोड़ करके विनम्र शब्दों से स्तुति करते हुए कहते कि हे दीनों के नाथ, दीन बंधो कहते दीनों के नाथ, दीनों के स्वामी, सौख्य सिंधु, सिंधु के जल को भी सुखा देने वाले, हे देवों के देव, हे दयानिधे, जय जन्म मृत्यु विहीन शाश्वत विश्व वंदे महाविधे। कि हे कृष्ण, तुम जन्म मृत्यु से हीन हो, शाश्वत अर्थात सनातन हो, न तुम्हारा कोई अंत है, न कोई जन्म है, आदि है, तुम विश्व में सबके द्वारा वंदनीय हो, महाविधे तुम्हारी बुद्धि महान है, जय पूर्ण पुरुषोत्तम जनार्दन जगन्नाथ जगत गते। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, ये ईश्वर के नाम है, हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, हे जगत गते अर्थात संसार के गतिशील, जय जय विभो, हे परमात्मा, हे वैभवशाली परमात्मा, हे अच्युत अर्थात जिसका कभी भी पतन नहीं होता, हे हरे, हे मंगलमते, हे मायापते, हे कृष्ण, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। बार बार युधिष्ठिर जो है उनकी वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कहते हुए यूं नृप युधिष्ठिर, नृप का अर्थ है राजा युधिष्ठिर, यह कहते कहते मुग्ध होकर रुक गए। मुग्ध का अर्थ है व्याकुल से हो गए, उनके पास कोई शब्द नहीं मिले, स्तुति करते करते अचानक से रुक गए, कृष्ण का रूप देखकर हैरान हो गए, तत्क्षण अचेत समान फिर प्रभु के पदों में झुक गए। पहले तो वो चुप हो गए, स्तुति कर रहे थे, बोल रहे थे अपने शब्दों के माध्यम से, बोलते बोलते क्या हुआ, राजा युधिष्ठिर जो है अचानक से रुक गए, मुग्ध हो गए, भगवान कृष्ण की ओर लगातार देखने लगे, चुप हो गए, उन्हें कोई शब्द नहीं मिला। और उसी क्षण, तत्क्षण का अर्थ है कि कुछ समय बाद, उसी क्षण तुरंत अचेत, अचेत का अर्थ है कि बेहोशी की सी अवस्था में, पूरी तरह से बेहोश नहीं हुए, बेहोश जैसी अवस्था में अचेत, उन्हें अपनी सुध नहीं रही। अचेत का अर्थ क्या होता है बेटे, जब आपको अपनी सुध नहीं रहती, अपनी भान नहीं रहता, फिर प्रभु के पदों में झुक गए और फिर भगवान कृष्ण के चरणों में झुक गए। बढ़कर उन्हें हरि ने हृदय से हर्ष युक्त लगा लिया, आनंद से सत प्रेम का मानो शुभांग लिंगन किया, शुभ आलिंगन किया, शुभांग लिंगन का अर्थ है शुभ आलिंगन। क्या कहते हैं कि उस वक्त जब राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के चरणों में झुक गए, तो भगवान ने क्या किया, उन्हें आगे बढ़ करके उठाया, अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हर्ष युक्त का अर्थ है प्रसन्नता से, खुशी से राजा युधिष्ठिर को कृष्ण ने अपने गले से लगा लिया, और ऐसा लग रहा था जैसे आनंद से सत प्रेम का अर्थ है सच्चा प्रेम, आपस में शुभ आलिंगन कर रहा हो, इसलिए लग रहा था कि जैसे भक्त भगवान से आनंद सच्चे प्रेम से आलिंगन कर रहा हो। वह भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था, प्रत्यक्ष ईश्वर जीव का संगम अति विचित्र था। जब राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण गले मिले, तो कवि क्या कहता है कि भक्त का भगवान से मिलना जो नितांत का अर्थ है पूरी तरह से पवित्र और पावन था, ऐसे लग रहा था प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर और जीव एक दूसरे से मिल रहे हों। उन दोनों का जो संगम था, जो मिलन था, वह अत्यधिक विचित्र दिखाई दे रहा था, ऐसे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन भक्त है और कौन भगवान है। मानो सुकृत आकर स्वयं ही शील से थे मिल रहे, युग शाम गौर सरोज मानो साथ ही थे खिल रहे। उनको देख करके, किसको, राजा युधिष्ठिर और कृष्ण को देख करके क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा था कि मानो सुकृत अच्छे कर्म आकर के स्वयं ही शील से एक दूसरे से मिल रहे हैं, कि अच्छे कर्म आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। युग शाम गौर सरोज मानो, सरोज का अर्थ क्या बेटा, जो सरोज अर्थात सरोवर से उत्पन्न हो, कौन उत्पन्न होता है सरोवर से, कमल का पुष्प। शाम का अर्थ है नीला और गौर का अर्थ है श्वेत सफेद, ऐसे लग रहा था कि नीला और सफेद रंग का कमल पुष्प एक साथ खिल रहा हो। कृष्ण श्याम है, युधिष्ठिर क्या है, गौर वर्ण के हैं, तो कवि ने क्या कल्पना की कि दोनों को मिलते हुए देखकर उसको क्या लगता है कि मानो
एक सफेद रंग का और एक नीले रंग का कमल पुष्प सरोवर में एक साथ खेलने लगा हो। करने लगे सब लोग तब आनंद से जयनाद यूं, त्रैलोक्य को हूं दे रहे निर्भय विजय संवाद। और जब उन दोनों का मिलन हुआ तो जितने भी लोग वहां थे सभी आनंद से जय जयनाद करने लगे कि जैसे भगवान कृष्ण की जय, राजा युधिष्ठिर की जय। और इस तरह से वो जब निर्भय होकर विजय का संवाद अर्थात जय जयकार कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरी त्रिलोकी को, तीनों लोकों को अपने विजय की बात बताना चाह रहे हों। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि जब वो जयनाद कर रहे थे तो उसका स्वर इतना गूंज रहा था कि तीनों लोक में मानो उसकी आवाज सुनाई दे रही हो। अन्यत्र दुर्लभ है भुवन में बात यों उत्कर्ष की, सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारत वर्ष की। कवि क्या कहता है कि इस तरह से ऊंची उत्कर्ष की बात किसी भी त्रिभुवन में, किसी भी भुवन का अर्थ है इस धरती पर या त्रिलोक में, कहीं भी दुर्लभ है। ऐसा मिलन जो है कहीं संभव नहीं है। कवि क्या कहता है भावुक होकर, सच में भव्य भारत वर्ष जैसा देश कहीं भी मौजूद नहीं है, इसके साथ किसी की बराबरी करना संभव नहीं है, यह भारत देश ऐसा है। दुख दुशलादिक का अभी कहना यद्यपि अवशिष्ट है, पर पाठकों का जी दुखाना अब ने हमको इष्ट है। अब कवि क्या कहता है, क्योंकि यह महाभारत की एक छोटी सी कथा है, महाभारत जो बड़ी कथा है उसका एक अंश आपको इसमें कविता के माध्यम से दिया गया है, तो कवि क्या कहता है दुख दुशलादिक का कि अभी दुर्योधन आदि जितने भी शत्रु हैं उन सब से जुड़ा हुआ दुख अभी मौजूद है, अर्थात पूरी कथा अभी भी बाकी है। कहना यद्यपि अवशिष्ट का अर्थ है कि अभी जो कुछ बताना है, जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वह अभी बाकी है, अवशिष्ट का अर्थ है बचा हुआ है। पर यह जो है, जो कविता आपने पढ़ी है, यह खुशी की कविता पढ़ी है, तो कवि कहते हैं कि इस अवसर के ऊपर जो मेरी ये कविता पढ़ रहे हैं, जो पाठक हैं, उनका जी दुखाना अब मुझे इष्ट का अर्थ है अच्छा नहीं लगता, मेरे मन में ऐसी भावना नहीं आती कि मैं अपने पाठकों का जी दुखाऊं। कर बार बार क्षमा प्रार्थना होते विदा अब हम यहीं, सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कहीं। कि मैं आपको पूरी कथा नहीं सुना रहा, इस बात के लिए क्षमा याचना करते हुए मैं अब यहाँ से विदा होता हूँ। विदा होने का अर्थ क्या है, कवि कहता है कि मैं अपनी पंक्तियों को, अपने लेखन को, अपनी कलम को विराम देने जा रहा हूँ, क्योंकि यह सुख का समय है, इस सुख के समय में दुख की कथा कहना कहीं पर भी अच्छी नहीं लगती। कि जयद्रथ का वध करके पांडवों के खेमे में, पांडवों के पक्ष में, पांडवों के कक्ष में जो खुशी का वातावरण है, तो पाठक भी उस खुशी को अनुभव करें, महसूस करें। इस समय मैं किसी भी तरह की दुख की चर्चा करना नहीं चाहता और मैं अपनी पंक्तियों को विराम देता हूँ।